वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मोलाली में और यहाँ का लैंडमार्क लोकेशन वगैरह ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए। स्पेशली आज यहाँ पर कुछ पपीज है जो इम्पोर्टेड है। हेलो भाई, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप? क्या शुक्रिया अक्रम भाई आपका आने का। जी जी, थैंक यू भाई। और आपका भी नाम क्या है आपका? मेरा नाम लॉयड है जी। लॉयड भाई, कहाँ पर है लोकेशन आपका है? ये लोकेशन देखिए आप, ECIL दुमाईगुड़ा जाने की रोड पे है, साकेत करके कॉलोनी है, उसमें है। ओके, तो आज क्या बतलाने वाले हैं आप? ये कैनिकोर्सो ब्रीड है, इटालियन मैस्टिफ्स है जी। उनके पपीज अवेलेबल है अपने पास जी। एक 6-8 पपी कुछ है भाई, अवेलेबल है पपीज, मेल और फीमेल सब मिल जा सकते हैं। पेरेंट्स भी है, अब आगे चल के वीडियो में दिखा देंगे इंशाल्लाह पेरेंट्स। और सारी लाइनेज है ना आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, सारी लाइनेज है। KCI के साथ मिलेंगे पूरे पपीज। ओके, तो अभी कितने पपीज अवेलेबल है? अवेलेबल 6 पपीज है, 5 मेल्स 1 फीमेल। ठीक है, तो ये जो आपके हाथ में है ये क्या है? दोनों मेल हैं जी? ये भी मेल है, ये भी मेल है। देखिए क्या एज है इनकी? ये 62 डेज के है आज, 62 डेज के है। दोनों वैक्सीन कंप्लीट है इनकी, पपी DP हो गई और वैक्सीन भी दोनों कंप्लीट हो गए। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिए आप, यानी इनकी जो पेरेंट्स है वो रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा लास्ट में जी। और इसमें और कौन से है दूसरे वाले, और इसमें स्पेशलिटी क्या है, यानी इस ब्रीड के अंदर क्या क्या? कैनिकोर्सो बेसिकली गार्ड डॉग्स है, मैस्टिव्स है। मैस्टिव्स इसलिए बने थे फॉर गार्डिंग पर्पस, फॉर कैटल गार्डिंग जी। तो बहुत फ्रेंडली डॉग्स रहते हैं अपने। ये पपीज का ये है जी कि नॉर्मली यानी जैसे पिटबुल वगैरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते, तो इनमें और उनमें क्या डिफरेंसेस है? नहीं नहीं, एकदम फैमिली डॉग्स है, मतलब दे अब बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट रहता है कुत्ता, सेम लैब्राडोर रहते हैं इस तरह। नहीं, बहुत ज्यादा समझदार रहते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर रहता। देखिए आप जब रखेंगे अपने पास और जैसा ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह कुत्ता अल्टीमेटली वैसा ही होता, लेकिन बहुत ओबीडिएंट और बहुत फैमिली से बहुत बहुत जुड़े हुए डॉग्स रहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है जी जी। ठीक है, क्या एज बताया आप इनकी? 62 डेज है आज। 62 डेज ओल्ड है जी। एक और मेल बता दूं मैं आपको, एक और पपी है। और ये शॉर्ट साइज में नहीं होते, इनका साइज भी बड़ा होता ना जी? 27 to 30 इंचेस तक मेल का होता जी, 27 to 28 इंचेस फीमेल का साइज होता। ओके जी, और ये वाला भी मेल है जी? ये भी मेल है। ठीक है, क्या प्राइस रहने वाला है इनका ईच वन? जैसे मेल का क्या रखने वाले हो आप और फीमेल का क्या है? देखिए प्राइस तो मैं ये सोचा कि अभी जब कोई इंटरेस्टेड है कॉल करे, नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस, ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं है भाई जी। तो सभी के लिए अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस रहेंगे जी। और ये जेन्युइन ओरिजिनल ब्रीड है, इस वजह से पर्सनल में आप जो कॉल करेंगे उनको बतला देंगे प्राइस जी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी ऑल इंडिया रहेगा ना? इंशाल्लाह ऑल इंडिया हो जाता है। फीमेल्स कौन से इसके? फीमेल एक ही फीमेल है इसमें, ये वाली फीमेल है, ये वाली फीमेल जी। एक ही फीमेल अवेलेबल अपने पास, और कम्प्लीटली पूरे ब्लैक कलर में जी। हाँ जी, अभी अवेलेबल पूरे ब्लैक है। ठीक है, नॉर्मली इनके अंदर और भी कलर्स आते हैं जी? हाँ, इनके अंदर आते, देखिए ब्लू आता, फॉर्मेंटिनो आता, ब्रिंडल आता कलर जी, फॉन आता विद ब्लैक मास। ओके जी, माशाल्लाह 6-7 कलर्स रहते हैं इसमें, इसके अंदर में जी। और हर कलर, जैसा अब ये ब्लैक है, इसके फ्यूचर पपीज कोई भी कलर में आ सकते हैं। अच्छा, तो यानी जरूरी नहीं है इसके फिर पपीज ब्लैक ही आना। जी हाँ जी हाँ, तो ये कलर मिक्स होते रहते हैं जी। हाँ जी, ठीक है, तो चलिए इनके जो पेरेंट्स है वो बतलाएंगे जी। देखिए बहुत ज़्यादा ये फ्रेंडली होते और ये खेल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप, यानी बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है, ऐसे नहीं है ये बाइटिंग कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बार्किंग कर रहे हैं। और ये पेरेंट्स अभी जो रिजल्ट देखने वाले हैं आप यहाँ पर, लेआउट में नेक्स्ट ये जो आप शो कर रहे हैं ये अभी इनके पेरेंट्स हैं जी। ये फादर है वो पपीज का। हाँ हाँ जी, इन्हें 2.5 इयर्स का है। 2.5 इयर्स है अभी जी। और इससे पहले भी कुछ लिटर्ड हुए ना आप? जी हाँ जी हाँ, इससे पहले 2 लिटर हुए मेरे पास। मेरे पास देखिए आप, 2 फीमेल और 2 मेल है अभी। अच्छा, ये 2 फीमेल से आपके पास और ये वाला मेल है? मेल है, और ये इसी का पपी है ना? जी हाँ, इसी का बच्चा है, पिछले लिटर का, 9 महीने का है वो जी। सो 9 मंथ्स बैक हुआ था अभी, उसके बाद ये लिटर हुआ अपने पास। तो जो पपीज अपन बताए उसी के भाई अपन भाई बहन है। ठीक है, तो यही फादर है। और ये कहाँ से लिए थे आप, इसकी कुछ डिटेल? देखिए ये मैं
डायरेक्ट इम्पोर्ट का बच्चा है ये, तो जो इम्पोर्ट करे थे, अब मैं शायद उनका नाम शेयर करना जी लाजिम नहीं समझ रहा हूँ, तो VST फैक्ट्री से लिंक्ड है, वो इम्पोर्ट करे थे, उनके पास से अपन एक पपी लिए, ठीक है, ये मेल वाला जी, और ये उनके पास से पपी लिए भैया जी, हाँ जी, यानी इन इस डॉग के जो पेरेंट्स है वो डायरेक्ट इम्पोर्टेड जी, हाँ डायरेक्ट इम्पोर्ट, ओके, और सारे पपीज और जो डॉग्स है आपके पास, ये KCI रजिस्टर्ड है ना? जी हाँ जी हाँ, KCI रजिस्टर्ड है। तो इसकी जो मदर है, जो पपी से आप बतलाए थे, वो इसमें है, देखिए आप, ये ब्रिंडल जो है मैं निकालता हूँ अभी, ठीक है जी हाँ, तो वो ले लेंगे, उसकी जी हाँ उसकी मदर है, और नेक्स्ट ये वाली फीमेल है जी हाँ, उनकी मदर है जो पपीज, जो अपन पपीज बताए, ठीक है, उनकी मदर है, ये कलर को ब्रिंडल बोलते, देखिए आप ब्रिंडल, नॉर्मली जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा था कि कैट्स और डॉग्स के कलर्स अगर सेम भी रहेंगे तो इनके नेम डिफरेंट है, जी हाँ इनके नेम डिफरेंट है, ये कलर को ब्रिंडल बोलेंगे, कैट में शायद ब्रिंडल नहीं बोलते इसको, टर्टिशल बोलेंगे उसके अंदर जी जी, और इसकी क्या एज है भी? ये फीमेल दो साल की है, दो साल जी हाँ, टू ईयर्स की है जी हाँ, KCI रजिस्टर्ड है, ये फीमेल पुणे से लिए थे जी, तो KCI रजिस्टर्ड है, बच्चे ऑब्वियसली दोनों रजिस्टर्ड है करके रजिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए जो भी ले रहे व्यूवर्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा पेपर्स में, क्योंकि KCI वाले बहुत ज्यादा बिजी चलते हैं, तो 2-2.5 महीने तो हो जाते पेपर्स आते, ओके, लेकिन कंफर्म हो जाएंगे 100%, ओके, और इंक्लूडेड KCI रजिस्टर्ड के साथ में अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंपलसरी हो तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आप अभी सभी ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन बाद में करवा देंगे, और KCI अगर कोई आगे से करवा लेना चाह रहे तो पपीज अभी तो रेडी है वैसे भी, जी रेडी है, KCI अगर आगे से करवाना चाह रहे तो अपन मेल फीमेल के डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के शेयर कर दे सकते हैं, ओके, तो ये इजीली वैसे भी अवेलेबल हो जाएंगे जी, और कुछ है अभी इसके अंदर जी, उन्हें मैं एक इनका प्रीवियस लेटर का एक बच्चा बताएंगे हम, ठीक है वो भी बतला जी जी, और नॉर्मली आप कंटिन्यू भी सेल होंगे आपके पास रहेंगे पपीज? नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि अब इन टोटल 3 फीमेल है अपने पास, तो साल में 3 लीटर तो होंगे जी, तो आपका मोबाइल नंबर बतला दीजिए, 9849866715715 जी, ओके, वैसे ये नंबर देखिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अभी इसके जो पहला लिटर्ड वाला पपी है वो बता देंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट लेआउट भाई, ये फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट लिटर्ड हुआ था उस वाला पपी है जी हाँ, अपन एज है पेरेंट्स जो है 9 मंथ्स का है अभी, 9 मंथ, ये 29th को 9 मंथ हो जाएंगे, ओके, यानी जून 29th को 9 मंथ्स कम्प्लीट हो जाएंगे इसके, तो ये सिर्फ रिजल्ट बता रहे ना जी हाँ, ये अब जो पपीज अपन बता रहे हैं यही लाइनेज के है, अच्छा जो नए व्यूअर्स है उनके लिए यानी एक कुछ सपोर्टिव मैसेज, जैसे पपीज लेना बेहतर रहता है या एडल्ट? नहीं पपीज लेना बहुत बेहतर रहता है, क्या डिफरेंसेस होते दोनों? आप ट्रेन कर सकते हैं पपीज को आपके हिसाब से, आप कोई इंग्लिश में बात करते हैं, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में जी, तो बेसिकली डॉग अगर समझना है तो बचपन से अगर रहा तो जो लैंग्वेज आप उसको ट्रेन करेंगे वैसा ट्रेन हो जाता है, बिल्कुल, तो यानी पपीज के अंदर बेनिफिट ज्यादा रहेगा जी हाँ बिल्कुल, और अंडरस्टैंडिंग भी जैसे पपीज से लेके आप अगर उसको एडल्ट तक लेके आ रहे हैं तो समझ में अच्छा आ जाएंगे उसको, ठीक है, तो चलिए जो इंटरेस्टेड हो आप लोग डायरेक्टली कॉल करिए भाई को, बात कीजिए, 9 मंथ्स ओल्ड के अंदर देखिए साइज, और लास्ट साइज यही रहेगा इसका जी हाँ, लास्ट साइज बिटवीन 30-32 रहेगा, ओके, चलिए इस तरह और बहुत सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।